सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास राजकीय महाविद्यालय सराना। आज मैं अपने गांव बेंसी में पहुंचा। रक्षाबंधन का पर्व है, तो इतिहास की जो धरोहर है, जो इतिहास छुपा हुआ इतिहास है, बेंसी गांव का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने 1857 की क्रांति के अंदर अपनी शहीदी दी है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अपनी शहीदी दी है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने 117 वीर योद्धा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें से 19 वीर योद्धा शहीद हुए। जब दूसरे विश्व युद्ध की बात आई तो यहाँ के अनेक वीर योद्धाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया। उनमें से एक थे स्वर्गीय श्री मान सिंह जी, जिन्हें गांव में उपनाम मांडू के नाम से जाना जाता है। आज हम पहुंचे हैं दादा मान सिंह के घर, उनके सुपुत्र श्री सरदारा सिंह जी, जो कि डाक विभाग में डाके का काम करते हैं। इससे पहले कि मैं इनको इनके बारे में कुछ इनसे इंटरव्यू लें, तो मैं आपको जो है दादा मान सिंह के बारे में बताऊंगा कि उनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। उनका जो है ये चुनाव पहचान पत्र, उसके साथ साथ जो है 1939 से 1945 तक का जो युद्ध हुआ उसमें उन्हें ये मेडल जो है भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। आप देख सकते हैं इस पे स्पष्ट लिखा है 1945 ब्रिटिश एम्पायर लिखा है, तो ये बात साफ जाहिर होती है कि वीर योद्धा ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया, और दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने के साथ साथ इन्हें बहादुरी का पुरस्कार भी मिला, मेडल प्राप्त हुआ। अब हम तो आप सदारा जी मेरे चाचा जी हैं, तो ये बताइए कि दादा मानसिंह जी थे, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम डोंगरराम। डोंगरराम। और माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता है? मैं चाहूँगा कोशिश करें कि आप जो है दादी जी का, जो हमारी दादी जी थी, उनका नाम भी आगे जो है कभी आपसे बात हो तो उनका नाम भी आप याद करें, अगर ढूंढने की कोशिश पूछ रहे हैं। तो दादा मानसिंह जी का व्यक्तित्व कैसा था? उनका एक जो है सेना में भर्ती हुए, तो आपके परिवार की बैकग्राउंड जो दादा जी ने बताई तो क्या थी, कैसी क्या थी? मेरे पिता की बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी की हालत में थी, और 1921 को जन्म हुआ उनका, 1939 में वो भर्ती हुए, 1945 में वो युद्ध में हुई, और वहाँ से मैं आ गई डिस्चार्ज होकर। अब उनको पेंशन मिल रही थी लघु सचिवालय की तरफ से। अच्छा, तो कितनी पेंशन मिलती थी उससे? पेंशन उनकी तो 2400 रुपये थी। जब 2400 रुपये, तो जो है मानसिंह जी कब जो है परमात्मा के पास गए, कब जो है उनकी मृत्यु हुई, स्वर्गवास कब हुआ? 4 मई 1908 को। 4 मई 1908? 6 को। जी अच्छा, 6 को। तो 4 मई 1900 2006 को? हाँ, 4 मई 2006 को उनका स्वर्गवास हुआ। तो जो है मानसिंह जी ने आपको बताया होगा, ये बातें होती होंगी, तो कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी, अगर कुछ आपको ध्यान हो तो उन्होंने बताया हो? नहीं, हमें कभी पूछा नहीं, ना उन्हें बताया। अच्छा, तो आपको ये तो बताया होगा, कभी बात चली होगी कि भाई आपके गांव से कौन कौन बंदा जो है उनके साथ जो है उनके युद्ध में गए होंगे? उनके साथ कई गए थे जी। कौन कौन? एक तो ताऊ लीलू राम, ताऊ बिरखा राम, एक हमारा बिरमा राम, एक हमारा ताऊ जुगलाल, एक मेरा पिताजी मान सिंह, एक तरह एक अधौर होगा। जुगलाल का नाम तो शायद, जुगलाल को तो गांव में कुछ मिंडू के नाम से तो नहीं जानते? हाँ, मिंडू के नाम से जाने जाते थे। और लीलू राम? लीलू राम खुद लीलू राम है। लीलू राम ही था। लीलू राम जो है उनके पुत्र का नाम रामफड़ तो नहीं है? रामफड़ था। हाँ, एक का नाम रामफड़, एक का नाम। अच्छा,
तो और क्या मतलब कोई बात ऐसी जो है आपको दादाजी ने बताई हो? हमारे को पूछा नहीं हमने जी, कभी तो बताया नहीं ना आप कैसा पूछा। अनुभव करते हैं कि एक जो है महान योद्धा के परिवार में आपने जन्म लिया है, तो आपको कैसा महसूस हम होता तो है? गर्व महसूस करते हैं जी अपने पिता के ऊपर। हमारे पिता सेना में था, लड़ाई लड़ी, बहुत ही गर्व हमने। हमें गर्व है अपने बाप के ऊपर जिन्हें जो है लड़ाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको दोबारा से फिर दिखाना चाहूँगा इस महान योद्धा मान सिंह जी, हमारे पूजनीय दादाजी जो है ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़े और जो है उन्होंने जो है मेडल प्राप्त। मेडल भी प्राप्त किया। जय हिंद। जय हिंद। सभी का धन्यवाद। मेरे साथ हैं कैमरामैन महेंद्र पंच गांव बेंसी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने जो है एक महान विभूति को कैमरे के सामने लाने में सहायता की। मैं प्रोफेसर दलजीत, इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय इसराना, और मेरा पैतृक गांव बेंसी ही है। सभी को जय हिंद, जय भारत। नहीं।